पानी में भिगो के रखेंगे। फिर पानी निकाल करके हम इसे ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। अब एक पैन में घी लेंगे और इसमें हम मूंग की दाल का पेस्ट डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार हिलाते हुए हम पकाएंगे। इसे हम नॉनस्टिक पैन में बना रहे हैं। इसे आप एल्युमिनियम की कढ़ाई या किसी भी दूसरी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम में या किसी दूसरी कढ़ाई में बनाने में इसलिए बॉटम पर चिपकती है। नॉनस्टिक में मूंग की दाल का हलवा बहुत ही आसानी से बन जाता है। शुरू में ये घी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे जब हम लगातार सेकते रहेंगे तो ये धीरे धीरे घी छोड़ना शुरू करती है। आप देखेंगे कि मूंग की दाल ने घी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। घी पूरी तरह से छोड़ दिया है और मूंग की दाल का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और अगर हमें लगता है कि इसमें थोड़े से ग्रेन्स बाकी रह गए हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, यानी दाल पूरी तरह से फूल जानी चाहिए। जब दाल पूरी तरह से फूल जाएगी तब हम इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। चीनी मिलाकर के भी हम इसे मीडियम गैस पर लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती। हलवा जब थिक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसमें मावा ऐड करेंगे और मावा मिलाकर के भी हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। मावा जब पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें पिसी हुई इलायची मिलाएंगे और कटी हुई बादाम और जो भी आप मेवे ऐड करना चाहते हैं वो इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसे अब एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। मूंग की दाल के हलवे को हम गार्निश करेंगे पिस्ता और कटी हुई बादाम के साथ। सो फ्रेंड्स, मूंग की दाल का हलवा बनकर तैयार है। इसे आप ट्राई करें और अपनी एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।